इस वीडियो में टेक स्टेप्स के मैं आपको समझाने जा रहा हूं किस तरह आप अपस्टॉक्स में शेयर्स पर प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि फलाना शेयर फलाने प्राइस पर पहुंच चुका है, यानी कि जो शेयर आप जिस प्राइस पर चाहते हैं उस प्राइस पर पहुंच चुका है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं अपस्टॉक्स ऐप को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा। अब आपसे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, मैं फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज कर ऑथेंटिकेट कर देता हूँ। दोस्तों लॉगिन होते ही हम वॉच लिस्ट पे हैं। वॉच लिस्ट में किसी भी शेयर पर आप प्राइस अलर्ट सेट करना चाहते हैं तो उस शेयर पर आप टैप करिए। मैं अशोक लीलैंड के शेयर पर टैप करता हूँ आपको समझाने के लिए। टैप करते ही अशोक लीलैंड से जुड़ी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। टॉप राइट कॉर्नर पर आपको एक अलार्म का आइकन मिलेगा, या टाइमर का आइकन कह लीजिए, इस पर आप टैप करिए। टैप करते ही सेट अलर्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जो भी करंट प्राइस है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है, उसके नीचे एंटर वैल्यू है। यहाँ पर आपको वो प्राइस सेट करनी होगी जो आप चाहते हैं। देखिए करंट प्राइस 127 है। अगर मैं चाहता हूँ कि 127 के ऊपर कोई प्राइस सेट करना, यानी मैं चाहता हूँ अगर अशोक लीलैंड का जो करंट प्राइस है 135 आए, तो मुझे अपस्टॉक्स बताए कि ये प्राइस में पहुंच चुका है, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पर एंटर कर दिए। अब यहाँ पर उसके नीचे एक और ऑप्शन है अलर्ट मी का, इसको बहुत ध्यान से सेट करना होता है। इस पर मैं टैप करता हूँ। यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे। क्योंकि मैंने जो प्राइस सेट की है वो करंट प्राइस से ज्यादा है, इसलिए मैं ग्रेटर देन इक्वल टू को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद आखिरी में एड नोट का ऑप्शन है, इस पर टैप कीजिए। यहाँ पर आप अपने नोट्स लिख सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये अलर्ट आपने क्यों सेट किया था। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बाय लिख देता हूँ कि मुझे खरीदना है ये शेयर इस प्राइस पे, और नीचे डन की बटन है, इस पर मैं टैप करता हूँ। और दोस्तों अलर्ट को सेट करने के लिए सबसे नीचे सेट अलर्ट का बटन है, इस पर आप टैप कर दीजिए। दोस्तों अलर्ट सेट हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ अलर्ट कहाँ से हम देख सकते हैं। दोस्तों अपस्टॉक्स में जो भी अलर्ट आपने सेट किया है आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर प्रोफाइल का आइकन है, इस पर टैप करिए। यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा प्राइस अलर्ट्स का, इस पर टैप करिए। जो भी प्राइस अलर्ट आपने सेट किए हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। एडिट करने के लिए यहाँ राइट साइड पे नीचे की तरफ एडिट का बटन है, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। मैं आपको बैक ले चलता हूँ। दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि जो भी शेयर पे आपने प्राइस अलर्ट सेट किया है उस शेयर पर टैप करिए। जैसे कि मैंने अशोक लीलैंड पे सेट करके दिखाया था आपको, तो मैं अशोक लीलैंड पे टैप करता हूँ। उस पर्टिकुलर शेयर की डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। टॉप राइट कॉर्नर पर टाइमर का आइकन है, इस पर टैप करिए। तो देखिए उस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड अलर्ट जो भी आपने सेट किया था वो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एक ही शेयर पर आप ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू दोनों लगाएं, उसके लिए आप उसी शेयर में आ जाइए। जैसे कि अशोक लीलैंड पे मैंने सेट किया था, तो मैं अशोक लीलैंड में आ चुका हूँ। टॉप राइट कॉर्नर पर प्लस का आइकन है, यानी कि ऐड का आइकन, इस पर टैप करिए। वापस सेट अलर्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैं 120 वैल्यू एंटर कर देता हूँ, और अलर्ट मी में देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ लेस देन इक्वल टू हो गया है। करंट प्राइस से अगर आपने कम सेट किया है तो ऑटोमेटिकली वो लेस देन इक्वल टू हो गया, और उससे ज्यादा सेट करता हूँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है। यहाँ मैं वापस कम पे सेट कर देता हूँ। यहाँ से आप लेस देन एंड इक्वल टू सेलेक्ट कर लीजिए। कोई नोट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड नोट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, और नीचे सेट अलर्ट का बटन है, इस पर आप टैप करिए अलर्ट को सेट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं अलर्ट यहां से सेट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह आप बताए हुए स्टेप्स को फॉलो कर अपस्टॉक्स में किसी भी शेयर या स्टॉक पर प्राइस अलर्ट को सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।